नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची और लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। चलिए तो अब हम अपनी चटनी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये ली है लाल मिर्ची, ये नॉर्मल वाली मिर्ची है, 15-20 मिर्ची ले रखी है। इनको अच्छे से धो लिया हमने। ये लिया हमने साबुत धनिया, 10-12 कलियां लहसुन की, एक टुकड़ा अदरक का उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये मिर्ची को आप 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो देना ताकि ये अच्छे से पिस जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी चटनी। तो चलिए अब हम अपनी चटनी शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया मिक्सी जार और ये अपनी भिगोई हुई मिर्ची इसमें डाल लेते हैं। ये देखना फूल कर कितनी अच्छी होगी है ये। इसे इनको डाल लो इसमें और हमने इसके अंदर ये ही पानी यूज करना है, दूसरा पानी नहीं लेना हमने। ये डाल दी लहसुन और अदरक, ये हमारा साबुत धनिया, नमक स्वाद अनुसार, और अब मैं इनको पीस लेती हूँ। तो एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो अभी हमारी मिर्ची पीसकर तैयार नहीं हुई है, एक बार चम्मच से इसको ऐसे कर देते हैं। ये इसके ढक्कन की लग गई ना चारों तरफ, इसको भी उतार लो। चेक करते हैं अभी इसके अंदर में पानी डाल दूंगी। यही पानी डाल रही हूँ जिसमें हमने मिर्ची को भिगो कर रखा था। फिर चला देते हैं हम। ये देखना हमारी चटनी इस तरह बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखना कितना अच्छा कलर आया इसका। अब हम इसको लगाते हैं तड़का। तो चलिए अब मैं अपने गैस को ऑन करती हूँ और इसके ऊपर रखते हैं अपना फ्राई पैन। इसमें मैं डालती हूँ देसी घी। क्योंकि ये देसी घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसलिए मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ। आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हो। देखना हमारा घी गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर डालती हूँ जीरा। जीरा चटकने तक हम चलाते रहेंगे इसको। अब हमारा जीरा भून कर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखो चटक रहा है। अब मैं इसमें डालती हूँ अपनी पीसी हुई मिर्च। आप गैस को मीडियम रखना, हाई फ्लेम नहीं करना है ऐसे। अब मैं इसके अंदर ये मिक्सी जार को धो के अच्छे से डाल दूंगी। ये
और एक बार और धो लेती हूँ इसको, क्योंकि हमने पानी तो मिर्ची में डालना ही है, तो इसलिए मिक्सी जार वाला ही धो के डाल दूँगी। और अब इसको अच्छे से पका लेना आपने। 10 मिनट में हमारी ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। मीडियम आंच पर आप इसको 10 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में आप इसको ऐसे चलाते रहना ऐसे, और मीडियम आंच पर ही पकाना है आपने, ताकि ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें लहसुन है ना, वो भी अच्छे से पकेगा और ये घी को अलग छोड़ देगी, तब इसको बंद करना है। देखना हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखो इसने घी अलग छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप एक महीने तक खा सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रोटी सब्जी पूड़ी के साथ टिफिन में भी ले जा सकते हो, सफ़र में भी ले जा सकते हो। आप भी अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ अपनी कटोरी में। ये देखना कितना अच्छा कलर आया है हमारी चटनी का, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मल वाली मिर्ची है, तीखे वाली नहीं है। ये देखना, आप अपने घर में एक बार इसको ज़रूर बनाना। धन्यवाद।